आज हम पढ़ेंगे जी वाटर बैलेंस सिस्टम के बारे में, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में। हाइपोटोनिक वो वाली कंडीशंस होती है जिसमें सेल की निस्बत एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी डाइल्यूटेड सोल्यूशन में सेल बड़ा होता है। जबकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सोल्यूट ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, और आइसोटोनिक जिसमें सेल की निस्बत एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के अंदर सेम कंडीशन हो। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें वाटर जो है वो कैसे वर्क करता है। जैसे ये देखिए एक एग्जांपल है कि अगर आप सेल को ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं जो हाइपोटोनिक हो। हाइपोटोनिक से मुराद ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये वाला जो एनवायरनमेंट है, यानी ये सेल है, और सेल के इर्द गिर्द जो हमने एक बीकर के अंदर सोल्यूशन लिया हुआ है, उस सोल्यूशन में सल्यूट की मकदार कम है। और आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे सल्यूट की मकदार, यानी वाटर जो है वो ओस्मोसिस के ज़रिए मूव करता है, और ओस्मोसिस के ज़रिए मूव जब करता है तो वो हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है। यानी इसकी मूवमेंट बाहर से, वाटर की मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, वाटर की मूवमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनली सेल के अंदर की तरफ होगी और सेल टर्जिड हो जाएगा। ये बात यहाँ पे आपने ज़रा जहन नशी कर लेनी है कि प्लांट के सेल जो है ना वो टर्जिड होते हैं, फटते नहीं हैं, यानी वो टाइट हो जाती हैं, ट्रिज्ड हो जाती हैं, लेकिन फटते नहीं हैं। जबकि एनिमल सेल को अगर हम इसी जगह पे रखें तो एनिमल सेल जो है वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के गिर्द सेल वाल नहीं होती, तो ये सेल वाल इसको रप्चर होने से बचाएगा। इसी तरह आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम सेल को रखें तो सेल के साइज में ना कमी होगी ना इजाफा, क्योंकि जितना पानी सेल से बाहर निकलेगा उतना पानी दोबारा सेल के अंदर दाखिल भी हो जाएगा। तो पानी निकलता भी रहेगा और दाखिल होता भी रहेगा, दोनों साइडों पे एक्सटर्नली और इंटरनली वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर हम हाइपरटोनिक कंडीशन की बात करें तो हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर क्योंकि वाटर ने तो वैसे मूव करना है हाइपो से हाइपर की तरफ, अब इंटरनल कंडीशन क्या है, हाइपर है, एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, हाइपो है, तो इंटरनली यानी सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा और सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जी ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, इसमें हम तीन तरह के प्लांट्स को देखेंगे, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और जीरोफाइट्स, या एक और चौथी कैटेगरी है मीजोफाइट भी। तो लेट्स हम यहाँ पे सिर्फ थ्री टाइप्स की बात करेंगे, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट की। छोटा सा हम कंपैरिजन देखेंगे। हाइड्रोफाइट्स वो वाले प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर डूबे होते हैं या पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, यानी ये वो वाले प्लांट है जिसको सारी ज़िंदगी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ऐसे प्लांट्स आम तौर पर फ्लोटिंग इन फ्रेश वाटर होती हैं, यानी एक्सेस क्वांटिटी के अंदर इनके पास वाटर मौजूद होता है। इनके लीफ लार्ज होती हैं, ट्रांसपरेशन एक्सेस होती है क्योंकि वाटर की कमी नहीं है तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होती रहेगी, और ट्रांसपरेशन के एक्सेस होने की एक वजह यह भी है क्योंकि इनके स्टोमेटा पत्ते की ऊपर वाली सरफेस पे होते हैं। तो अपर सरफेस पे स्टोमेटा होने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही धूप वगैरह निकलेगी स्टोमेटा फ़ौरन ओपन हो जाएंगे, और फ़ौरन ओपन होने की वजह से ट्रांसपरेशन का अमल जो है ना वो ज़्यादा होगा। इसके नस्बत अगर हम मीजोफाइट की बात करें तो मीजोफाइट मॉडरेट वाटर के अंदर होते हैं, मुनासिब वाटर इसके लिए मौजूद होता है। मुनासिब से मॉडरेट से मतलब ये नहीं है कि उसको पानी की बहुत किल्लत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसकी नीड पूरी हो सकती है, सफिशेंट वाटर की सप्लाई होती है। अगर स्टोमेटा इसके जो ना वो डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं हाइड्रोफाइट की नस्बत,
इसके स्टोमेटा जब एक्सेस वाटर होगा तो ओपन हो जाएंगे, और जब इसकी वाटर की सप्लाई कम होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, तो तब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल ब्रासिका वगैरह है। जितने भी आप अपने मैदानी इलाकों में पौधे देखते हैं वो सारी इसकी एग्जांपल हैं। इसी तरह जी ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट आमतौर पर ड्राई कंडीशंस के अंदर रहती हैं, बहुत ड्राई कंडीशन का सामना करना पड़ता है, सेहराओं के अंदर होती हैं, डेजर्ट प्लांट भी इसको बोलते हैं। इसमें क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसने अपने बॉडी के अंदर ट्रांसपरेशन के अमल को रिड्यूस किया होता है। कैसे ये रिड्यूस करती हैं, ये अपने लीव को थिक कर लेती हैं और स्मॉल कर लेते हैं। यानी लीव को थिक करने का फ़ायदा ये है कि फोटोसिंथेसिस तो होती रहेगी, लेकिन जो धूप का असर है यानी जो सनलाइट है उसके ऊपर कम पड़ेगी। इसके अलावा जी इसके आपको पता है कि लीव की ऊपर वाली सरफेस पे यानी जो मेजोफिल सेल है उनके ऊपर एक क्यूटिकल की तह होती है। इस यहाँ पे अगर हम बात करें ज़ीरोफाइट की, तो ज़ीरोफाइट में क्यूटिकल की तह थिक होती है, वैक्सी होती है और लैदरी होती है। लैदरी मतलब कि उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसकी वजह से सनलाइट मज़ीद कम इफेक्ट करती है डायरेक्टली लीव की सरफेस को। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा इसकी लोअर सरफेस पे होती हैं, और लोअर सरफेस में भी जो डिप्रेशंस बनी होती हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पत्ते की ऊपर वाली सरफेस है, ये पत्ते की नीचे वाली सरफेस है, और ऐसे डिप्रेशन बना हुआ है और इस डिप्रेशन के अंदर जाके स्टोमेटा है। ये इसलिए है ताकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट है स्टोमेटा के ऊपर वो कम से कम हो सके। कैक्टस इसकी एग्जांपल है। कैक्टस आमतौर पर जो है ना वो ड्राई कंडीशन में अपने पत्तों को गिरा देता है, बिल्कुल भी इसमें पत्ते नहीं रहते। स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक आर्गन के तौर पर काम करता है। रेनी सीजन में इसके जो स्टेम है या लीव्स जो होते हैं वो वाटर को स्टोर कर लेती हैं, और ऐसे ऑर्गन्स जो वाटर को स्टोर करने के तौर पर वर्क करें उसे हम बोलते हैं सकुलेंट ऑर्गन। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन हम एनिमल्स की भी देखते हैं। एनिमल के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन का सिस्टम है उसे अगर हम प्लांट के साथ कंपेयर करें तो प्लांट की नस्बत इसको एक बैलेंस वाटर की ज़रूरत होती है। नो डाउट वाटर के बगैर तो प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट की नस्बत एनिमल को एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, यानी एक बैलेंस क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। अगर वो बैलेंस क्वांटिटी नहीं मिलेगी तो ये जो बॉडी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और एक और अहम बात है कि इसके अंदर जो साल्ट और वाटर है दोनों के अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इसकी दो टाइप्स की बात करते हैं, ये जो एनिमल्स हैं वो दो किस्म की होती हैं, ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर वाले एनिमल्स हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने इंटरनल कंडीशन को भी चेंज कर लेती हैं। ये आमतौर पर मरीन एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। जैसे ही एक्सटर्नली टेम्परेचर चेंज होगा ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। एक्सटर्नली जो भी कंडीशन चेंज होती रहेंगी एनवायरनमेंट के अंदर उसके साथ साथ भी अपनी बॉडी की अंदरूनी कंडीशन को भी चेंज करते रहेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ ही अपनी इंटरनल कंडीशन को बदलते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा वर्क या ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑस्मो रेगुलेटर वो वाले एनिमल हैं जिनको जिनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है और इंटरनली उनको डिफरेंट कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अंदर ह्यूमन भी आती हैं कि बाहर एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर बेशक 50 डिग्री हो जाए बेशक 0 डिग्री हो जाए, इनकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहना चाहिए। तो ये ऑस्मो रेगुलेटर हैं। ये अगर हम मरीन एनवायरनमेंट की बात करें तो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं कि जिनकी बॉडी के अंदर साल्ट की क्वांटिटी मरीन वाटर की नस्बत बहुत कम होती है, तो ऐसे एनिमल को फिर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर साल्ट को बॉडी से निकालना पड़ेगा।
तो ये बैलेंस जो है उन इन एनिमल्स के अंदर क्रिएट करना लाजमी होता है। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। ये वाले एनिमल मरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी होती हैं, फ्रेश इन्वायरमेंट के अंदर भी होती हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी होती हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी मौजूद होती हैं।